हेलो दोस्तों, मैं साऊ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सन फार्मा शेयर के बारे में। सन फार्मा शेयर का मूवमेंट और चार्ट पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में चलते हैं। तो ये रहा सन फार्मा का चार्ट। सन फार्मा का हम वन डे कैंडल चार्ट रह गए हैं और उसका जो ट्रेंड लाइन हम देख पा रहे हैं ये 6 मंथ से एबव है। ट्रेंड लाइन से पता लगता है कि चार्ट किस तरफ से मूवमेंट करता है। इससे हमको फ़ायदा ये होता है कि अगर पॉजिटिव ट्रेंड होता है तो पॉजिटिव दिशा में जाता है और नेगेटिव ट्रेंड होता है तो नेगेटिव दिशा में जाता है। तो हमको अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, जब भी आप चार्ट लेंगे छोटा करके पीछे का चार्ट देखेंगे, यहाँ से दिखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बिग अच्छा मूवमेंट है, यानी बिग पॉजिटिव मूवमेंट दिया है। तो अब क्या करेंगे इसमें सन फार्मा हम बाय करेंगे। कहाँ किस पोजीशन में बाय करेंगे इस वीडियो में हम चलते हैं। तो ये वीडियो में हम जो वन डे कैंडल लगाया है सन फार्मा 3 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी 893 टू 850, 850 से 890 के बीच में ट्रेड हो रहा है। ये जो 4-5 कैंडल बना है ये बजट के टाइम का कैंडल है। बजट के टाइम से पहले ये मूवमेंट आया था, उसके बाद अभी ट्रेड में चल रहा है, यानी वहाँ पर थोड़ा सेलिंग चल रहा है। आपको कहाँ से एंट्री करना है, तो ये सबसे हाई रेंज में चल रहा है। अगर ये देखा जाए तो ये पूरा कॉप पटन बोलते हैं इसको, कॉप पटन टाइप का बना है। कॉप पटन में ही है ये, लास्ट आखिरी 3-4-5 कैंडल एक ही रेंज में घूमेगा और यहाँ से एक बड़ा सा ब्रेकआउट आएगा। बड़ा सा ब्रेकआउट यानी आपको 1000 आराम से टच करते हुए दिखाई देगा। आप लॉन्ग टर्म बेसिक में इसको इन्वेस्ट करिए, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सन फार्मा अच्छा शेयर है। फार्मा सेक्टर का सबसे नंबर वन शेयर है सन फार्मा। तो इस वीडियो में मैं यही बोलना चाहता था, आपको कहाँ से एंट्री लेना है। आप अगर लॉन्ग टर्म बेसिक में लेना है तो 100 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा, 1000 आपको टारगेट बनते हुए दिखाई देगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे बेसिक खेलते हैं तो आपको हमेशा याद रखिए, पीछे का कैंडल का जो बना है ग्रीनिश कैंडल, वो अगर ब्रेकआउट हुआ चाहे आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ ब्रेकआउट यानी बेरिश बनेगा, आगे की तरफ ब्रेकआउट यानी बुलिश बनेगा। तो आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे के चलना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देने के लिए आपको कम से कम 5 मिनट का कैंडल यूज़ करना है। 5 मिनट कैंडल में आपको पता लग जाएगा जो इंट्राडे प्लेयर के लिए, इंट्राडे में किस तरफ चार्ट मूवमेंट करता है। जैसे ये चार्ट यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हुआ है, तो आपको वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग जाएगा ऊपर नीचे किस तरफ जाना है। और लॉन्ग टर्म बेसिक में आपको ध्यान देना है हमेशा वन डे कैंडल में ट्रेड करना है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू में है, जिसका चार्ट नीचे से ऊपर गया हो ये पॉजिटिव ट्रेंड है, तभी आपको अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आपको ट्रेड करना है। सन फार्मा अच्छा शेयर है, उसको मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ उसको लेने के लिए, क्योंकि ये फार्मा सेक्टर का नंबर वन शेयर। तो इस वीडियो में हम यही बात किए सन फार्मा शेयर में कैसे इन्वेस्ट करें, और इसका फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है। फंडामेंटल देखा जाए